हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड सो मैनी एक्टिविटीज़, बट द नेक्स्ट एक्टिविटीज इज़ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि जब भी कभी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ वाली बात आती है तो बच्चों के मार्क्स 20 मार्क्स का जल्दी से ध्यान आता है कि बोर्ड में आउट ऑफ 80 का पेपर जो होने वाला है उसमें प्लस 20 मार्क्स इन सभी एक्टिविटीज़ के, ओरल टेस्ट के, और आपकी अटेंडेंस और आपकी क्लास वर्क होमवर्क के होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है और आप जितने जल्दी इसको सीख लेंगे उतने जल्दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है. और उसका रीज़न केवल एक ही है, वो है कॉमन डिफरेंस. ओके, सो इसे आपको अपनी एक्टिविटी कॉपी में भी लिख लेना है और अच्छी तरह से इसको कट पेस्ट करके जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको अपनी कॉपी में बना लेना है. और कलर्ड पेपर अगर नहीं मिलता है तो आप स्केच पेन से भी पेपर्स को कलर्ड करके और उस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं. ओके, एनीवे, सो दिस एक्टिविटी मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू वेरीफाई दैट द एक मिनट बस वन मिनट पेन लेना था टू वेरीफाई दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाई पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड. ओके, बहुत सिंपल है. वैसे भी बच्चे अब इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए हैं तो वो जान ही गए होंगे, नो प्रॉब्लम. बट इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वी हैव सम प्री रिक्विसाइट नॉलेज. कुछ हमें इसका अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी अप्लाई करना पड़ेगा. हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको डेफिनेशन ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए बस. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एंड टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी वी नीड सम मटेरियल. मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें क्या क्या है? कलर्ड पेपर है, पेयर ऑफ सीजर्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, रिकोल है, स्केच पेन्स हैं, और वन स्क्वेयर्ड पेपर है. स्क्वेयर्ड पेपर आप लोगों ने 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक काफ़ी यूज़ किया है. स्क्वेयर्ड पेपर आता है, और नहीं हो जिसके पास स्क्वेयर्ड पेपर वो ग्राफ भी यूज़ कर सकता है, ग्राफ पेपर. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्टिविटी. नंबर वन प्रोसीजर में है, टेक ए गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर से A1, A2, A3 और भी ले सकते हो. सेकेंड पॉइंट है, कट ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फ्रॉम ए कलर्ड पेपर ऑफ विड्थ, एक कॉन्स्टेंट रखिएगा के 1 सेंटीमीटर लेंथ या A1 सेंटीमीटर जो भी है, इस तरह से. ओके, दिस इज द सो स्क्वेयर्ड पेपर है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उससे आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप उसमें से कट करेंगे जिसकी विड्थ क्या होगी, ये 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या जिसको हम कॉन्स्टेंटली कह सकते हैं A1. देखिए ये A1 हमने 3 सीक्वेंस में जो नंबर्स गिवन में दिए गए थे उसमें A1 हमको कट करना है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, रिपीट दिस प्रोसीजर बाय कटिंग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ सेम विड्थ 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ. जैसे A1 आपने कट किया था वैसे ही लेंथ A2, A3, A4 ऐसी सेंटीमीटर लेकर के हम उसको कट करेंगे, बट विड्थ उसकी कांस्टेंट रहेगी. ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका, टेक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर एंड पेस्ट द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एडजेसेंट टू अदर इन ऑर्डर. आपको क्या करना है, अब इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर को लिया है और उसको पेस्ट करना है आपको कहाँ, उस द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स एडजेसेंट एक दूसरे के साथ में बिल्कुल लगे हुए, बिल्कुल एकदम उनसे एडजेसेंट, जैसे एडजेसेंट साइड ट्रायंगल की होती है ना वाली. अब आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे ही आप ये पेस्ट करेंगे स्ट्रिप्स को, तो अब आप इसके पैरेलल एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. जैसे लेट द सीक्वेंस बी, एक लिया 1, 4, 7, 10. ओके, उसी तरह से जैसे आपने स्ट्रिप्स की जो लेंथ ली है फर्स्ट 1 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ कह रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में, इस वाले स्क्वायर पेपर में ये 1 सेंटीमीटर की है, और ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, 1, 2, 3 एंड 4, ओके 7, ये देखिए ये 7 सेंटीमीटर लेंथ वाली स्ट्रिप से, ये वाली ये, एंड 10 सेंटीमीटर, और जो सबसे आपको हाई दिखाई दे रही है ये इसकी लेंथ 10 है, नहीं अगर बिलीव हो तो आप इन सभी स्क्वायर को काउंट कर लीजिएगा, ये सब 10 हो गए, ये 1, ये हुआ 4, ये हुआ 7 और ये हो गया 10, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। एंड सेम विड्थ से 1 सेंटीमीटर अरेंज द स्ट्रिप इन ऑर्डर एज शोन इन द फिगर 2A, ये हमारा 2A फिगर है, इस फिगर में आपको ऑब्जर्व दैट द एडजॉइनिंग स्ट्रिप्स हैव ए कॉमन डिफरेंस इन हाइट्स। ध्यान दीजिएगा, इन सभी स्ट्रिप्स में एक कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये देखिए 4 माइनस 1 कितना डिफरेंस आया 3, ये देखिए 7 माइनस 4 कितना डिफरेंस आया 3, 10 माइनस 7 कितना डिफरेंस आया 3, राइट। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कॉमन एक्टिविटी है ये। सो फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द गिवन सीक्वेंस इज एन AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए लैडर इज फॉर्म्ड, एक लैडर बन जाती है, एक सीढ़ी सी बन जाती है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ एडजॉइनिंग स्टेप्स इज कॉन्स्टेंट 3 यूनिट्स का। इफ द सीक्वेंस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए लैडर इज फॉर्म्ड इन विच द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग स्टेप्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो जो आपके स्टेप्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा। तो बच्चे इमीडिएट समझ जाएंगे कि नंबर 1, 4, 7, 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सभी का कॉन्स्टेंट है, इक्वल है। बात समझ गए ना? और मैं बता देता हूँ, अगर आपको जनरल टर्म a n = a+n-1 × d या सम ऑफ एन टर्म s n = ny2 2a+n-1 × d, ये दोनों चीज़ें अप्लाई करना सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमन डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। मैंने अभी बताया, जैसे मैंने यहाँ 4 से 1 माइनस किया, 7 से 4 माइनस किया और 10 से, सभी में कॉमन डिफरेंस इक्वल आया है, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1, 4, 7, 10 इज एन AP। एक ऐसा भी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सीक्वेंस तो है लेकिन वो AP में नहीं है। लेट्स सी, लेट द अनदर सीक्वेंस बी 1, 4, 6 एंड 9। वही काम करते हैं, वैसे ही स्ट्रिप्स को हम लोग टेक स्ट्रिप ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऑल द सेम, सभी की सेम बिट थे 1 सेंटीमीटर की, अरेंज दैम इन ऑर्डर एज सॉन इन द फिगर 2B, वो 2A था और ये 2B हो गया, इसको हम देखेंगे। ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रिप्स डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस इन द हाइट। देखते हैं ये कितना है हाइट 1, इसका हाइट कितना है 4, तो अगर ये 1 हुआ और ये 4 हुआ तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 3। चलिए कोई बात नहीं, अगला नंबर कौन सा है 6, ये देखिए इसमें 6 हैं, ये इसकी हाइट क्या है 6, तो 6 माइनस 4 का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ गया 2। अरे ये तो दोनों का कॉमन डिफरेंस यही इक्वल नहीं है, तो 1, 4, 6, 9 इज नॉट इन एन AP। बात समझ गए कि नहीं? तो एक हमने लिया एक ऐसा एग्जाम्पल कि वो AP में है, और एक ये वाला एग्जाम्पल लिया कि AP में नहीं है। तो हर स्टूडेंट को ये पता लग जाएगा कि हाउ टू नो द AP को कैसे पता लगाएं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं कि ऐसे 2 और 3 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। नहीं, बोर्ड वाले कभी कभी लेंथी दे देते हैं और आखिर में जाकर के 4th-5th टर्म में जाकर डिफरेंस आपको निकालना पड़ता है। ये देखिए ये है 9, अब बताइए 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। अब कन्फ्यूजन बच्चे को, सर ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये नहीं है सर इक्वल हमारा कॉन्स्टेंट। बात समझ गए कि नहीं? तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है देयर इज एन AP, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है नॉट एन AP, ओके। क्या लर्निंग आउटकम्स आता है, क्या सीखना चाहते हैं हम इससे? स्टूडेंट्स लर्न द मीनिंग ऑफ एन AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय रिलेटिंग टू इट एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन। बच्चों को देख करके पता लग जाता है। बात समझ में आया? अब मैं आपको एल्जेब्रिक बेस पर भी बता देता हूँ। सपोज आप डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, तो डिफरेंस में अगर 3 टर्म्स जो बिगनिंग में ली थी, कौन सी a1, a2,
A3, सपोज A4, करेक्ट, ये 3 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ A4, नो प्रॉब्लम। तो कॉमन डिफरेंस आ कैसे रहा है, सेकेंड माइनस फर्स्ट से आ रहा है, सेकेंड टर्म कौन है A2 माइनस A1, वेरी गुड। दूसरे बच्चे ने दूसरा वाला डिफरेंस कैसे निकाला था, ये देखिए A3 माइनस A2, ये देखिए A3 माइनस A2, अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म आ गया एक्टिविटी से हट के। फिर लास्ट वाला हमने कैसे निकाला था, A4 माइनस A3, वेरी गुड। अब बच्चों को जनरलाइज करना भी सीखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, तो ये माइनस को माइनस रहने दो, इसका मतलब है हम अगर एन टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एन तक जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इधर देखिए रिलेशन क्या है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये एन है मतलब ये 3 था तो 1 मोर था, अगर ये एन होगा तो ये 1 मोर होगा, यानी an+1। बात समझ गए कि नहीं, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या आया, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हुआ d=an+1 - an। ये एल्जेब्रिक कंडीशन जानना जरूरी है हर बच्चे के लिए। ओके, सो मैनी टीचर्स रिक्वेस्टेड टू मी कि सर एक आध इस तरह की चीज़ें बनाइए, तो मैंने उनके लिए भी एक लाइन डाल दी है, बच्चों के लिए नहीं है, ओनली फॉर टीचर्स है। द टीचर में पॉइंट आउट इन दिस एक्टिविटी टेकिंग विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स टू बी कॉन्स्टेंट इज नॉट इसेंशियल बट कन्वीनियंट फॉर विजुअल सिंप्लिसिटी फॉर ऑफ द लर्नर, अंडरस्टैंड। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ कांस्टेंट अगर वैल्यू इक्वल आ रही है सभी, एक टर्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे का, सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा तो एपी है, और इसकी तरह अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी में नहीं है। थैंक यू वेरी मच, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 20 आउट ऑफ 20 अपने स्कूल से चाहिए। थैंक यू।